नमस्कार दोस्तों, शुद्ध देसी किचन पे स्वागत है आप लोगों का। दिवाली स्पेशल, बिहार के नॉर्थ साइड में खजुरिया बनता है, यहाँ पे इसको पेठा बोलते हैं। 150 ग्राम मैदा है, 100 ग्राम के आसपास रवा है, सूजी जिसको बोलते हैं, और 100 ग्राम शक्कर है। ड्राई फ्रूट में बादाम, काजू, पिस्ता, मैदा को इसमें डाल दीजिए, रवा तो इसको डाल के मिक्स कर दीजिए, चीनी, शुगर जिसको बोलते हैं वो आप इसमें मिक्स कर दीजिए डाल के। तीनों को जो है हाथ से आप अच्छे से मिला लीजिए। अब मिल जाने के बाद घी डालेंगे, 2 चम्मच आप बड़े टीस्पून टाइप का, उसे आप घी डाल दीजिए और इसको इसी आटा में मिक्स कर दीजिए, ताकि ये जो खसखस टाइप जो है आपको खाने में जो है स्वादिष्ट लगे। खजुरिया संदेश, इसको पेठा बोलते हैं, तो अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है अलग अलग जगह, लेकिन ये अपने आप में बहुत स्वादिष्ट बड़ा व्यंजन है, दिवाली स्पेशल। पानी इसमें ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, हल्का हल्का आपको फुहारा डाल के इसको मिक्स करना है। तो अब इसमें जो है हल्का हल्का ड्राई फ्रूट, थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा पिस्ता, थोड़ा सा बादाम, सब मिक्स कर लेंगे। जो है इसको आकार देने के लिए कोई भी चीज़ का आप आकार दे सकते हैं। से आपको आकार आपको आ जाएगा। चीनी आपको अखा दिखे, वो चीनी जो है देखने के लिए ही अखा दिया डाला जाता है, ताकि उसका जो स्वाद है उभर के और दिखने में भी अच्छा लगे। अब हल्के ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, तेल यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको सुविधा लगे उसमें आप इसको फ्राई कीजिए। ज़्यादा जोर से आप इसको हिलाएंगे तो ये टूट जाएगा, इसलिए आराम से इसको फ्राई करना है आपको। ये देखिए बन के खजुरिया खस्ता पेठा या खस्ता संदेश बन के रेडी है शुद्ध देसी किचन पे। इस तरह से आप अपना प्राउनेस आप निकाल सकते हैं इसको। तो दिवाली स्पेशल सूजी का खजुरिया, सूजी का पेठा और सूजी का संदेश शुद्ध देसी किचन में बन के रेडी है। तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिए और देखते रहिए शुद्ध देसी किचन।